अगर आप लोग को बिहार एसएससी 10+2 का जॉब पहली बार में लेना है तो थोड़ा सा अपने पढ़ाई में आपको परिवर्तन करना पड़ेगा। 80% कोई लगाया, 70% कोई लगा दिया, 100% तो वो नंबर मैच नहीं कर पाएगा, वो नंबर एफिशिएंसी के अनुसार अलग अलग है। टेक्निकल तरीका आप चारों को एकदम अपने बोझ पे लेकर चले कि रीजनिंग को भी पढ़ना है, जीके को भी पढ़ना है, जीएस को भी पढ़ना है, मैथ को भी पढ़ना है, इतना सारा सब्जेक्ट कैसे होगा, एक एक करके होगा, एक साधे सब जाए। सिलेबस सबके लिए यही रहेगा लेकिन आपका नजरिया थोड़ा सा अलग होगा क्योंकि आप इस वीडियो को देख रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो अभी के इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं कि बिहार एसएससी 10+2 की वैकेंसी यानी राजस्व कर्मचारी की वैकेंसी को आप कैसे निकाल सकते हैं, यानी कि आप पहली बार में इस एग्जाम को कैसे निकाल पाएंगे। और ये सबसे बड़ा डाउट होता है शायद कि हम पहली बार एग्जाम को दे रहे हैं और बताइए ऐसा तरीका कि फर्स्ट बार में ज्यादा मेहनत करके ही सही लेकिन एग्जाम को हम निकालना चाहते हैं, इस जॉब को पाना चाहते हैं। और दूसरा ये कि हम एक कमजोर छात्र हैं, बहुत अच्छे से हमको सिलेबस का ज्ञान नहीं है, बहुत अच्छा हम मेहनत नहीं कर पाते हैं लेकिन फिर भी हम इस जॉब को लेना चाहते हैं, तो क्या क्या मुझे करना पड़ेगा इस पूरे सिलेबस के लिए। और सबसे बड़ा बात आपको हम बताते हैं कि यही सिलेबस सबके लिए होगा। ये जो सिलेबस है पीटी मेंस का, इसमें ये सबके लिए है। जितने भी लोग फॉर्म भरे हैं, आपको पता है कि बहुत सारे लोग फॉर्म भरेंगे, तो जितना भी फॉर्म इसमें गिरा है सबके लिए सिलेबस यही होगा। और ये सिलेबस पर ही सभी लोग तैयारी करेंगे, कोई इसके लिए क्लास कोचिंग जाएगा, कोई सेल्फ स्टडी करेगा, कोई अलग अलग कोर्स करेगा, कोई अलग अलग किताब खरीदेगा, प्रैक्टिस सेट करेगा। तो जिसका भी तरीका बढ़िया होगा, यानी कि जो एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन बना पाएगा, जिसको समझ में क्वेश्चन आएगा, जिसका तैयारी बेस्ट होगा, लक भी साथ रहेगा, होता है ना कि लक लेवर चांस, तभी आपका कोई भी एग्जाम निकलता है। तो ये तीनों चीज जिसका मैच करेगा उसमें सबसे बड़ा चीज हम मानते हैं मेहनत को। तो मेहनत अगर आप अच्छे तरीके से कर देते हैं, क्योंकि सबके लिए यही चीज है, और यही चीज को अच्छे से प्रयोग करके आप जॉब को ले सकते हैं, और इसी सिलेबस को आप अच्छे से नहीं समझ पाते हैं तो आपसे जॉब नहीं निकलेगा। तो वही आसान तरीका हम बताएंगे जो कि हो सकता है आपको नहीं पता होगा कि कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले आपको बता दें कि बिहार एसएससी 10+2 का जो भी वैकेंसियां हैं वो सभी के लिए लगभग सिलेबस समान है। और राजस्व कर्मचारी बहुत ही अच्छा पोस्ट है, यानी कि बहुत ही ज्यादा सैलरी इसमें होता है, अच्छा पोस्ट है, आरामदायक पोस्ट होता है, और बहुत सारे लोग का चॉइस भी होता है क्योंकि पैसा कमाना हर कोई चाहता है। और इस जॉब में इतना पैसा है कि आपको बताए थे कि पैसा कमाते कमाते आप थक जाइएगा, पैसा देते देते ये जॉब आपको थकेगा नहीं, बहुत सारा पैसा है। लेकिन पैसा कमाने के लिए सबसे पहले मेहनत करना पड़ेगा सिलेबस पे, इसको निकालिएगा, उसके बाद आप आगे का प्रोसेस कर पाइएगा। अगर हम आपका एग्जाम पैटर्न का बात करते हैं तो 150 क्वेश्चन आप सबसे पूछा जाएगा। आप लड़के हैं या लड़कियां हैं लेकिन आपको अपने कट ऑफ में आना ही होगा, कट ऑफ वो हम बताते हैं आगे, सब चीज पे बात करेंगे। तो 150 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और ये सभी के लिए होगा। बस इसी 150 क्वेश्चन में दिमाग लगाना है कि किस क्वेश्चन को पहले करें, किस सब्जेक्ट को पहले कर लें, और किस सब्जेक्ट को थोड़ा सा इग्नोर करके बाद में भी कर सकते हैं, क्योंकि 100% स्कोर किसी भी एग्जाम में मांगता नहीं, आपको पता होगा 100% स्कोर नहीं मांगता, तो उतना करना भी नहीं है। जितना हम अच्छा से मेहनत कर पाएंगे टेक्निकली रूप वही मेरा होगा। तो पीटी मेंस अगर हम मिलाते हैं तो पीटी में भी आपको 150 क्वेश्चन और मेंस में भी 150 क्वेश्चन। तो स्पेशल हम अभी पीटी पे ज्यादा फोकस करेंगे क्योंकि आपको पता है कि दोनों का सिलेबस लगभग समान है, वो पीटी का सिलेबस का बात करें या मेन का, दोनों का सिलेबस लगभग समान है। लेकिन वो तरीका हम आपको बताने वाले हैं और इसी तरीका से आपको पढ़ाई करना है, तब देखिए कितना प्रॉफिट आप में हो पाता है, कितना आप आगे बढ़ पाते हैं, कितना आपका नॉलेज बढ़ पाता है, और आप पे कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हां अब आसान हमको लगने लगा। आगे बढ़ते हैं, टोटल मार्क्स आप देखेंगे तो 600, मतलब एक क्वेश्चन जो होगा 4 मार्क्स का होगा, प्रत्येक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होगा, और 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कि 600 नंबर का आपका एग्जाम होगा। इससे मतलब नहीं है, क्वेश्चन से मतलब है कितना हम सही कर पाते हैं। टोटल टाइम आपके एग्जाम में 2 घंटा 15 मिनट, यानी कि 135 मिनट का समय मिलेगा। यहां भी थोड़ा सा दिमाग लगाइए आप लोग, 135 मिनट का समय हमको 150 क्वेश्चन बनाने के लिए मिल रहा है, यानी एक क्वेश्चन पे आपको 1 मिनट से कम का समय दिया जा रहा है। तो यहां भी यही बोलता है आपसे एग्जामिनर कि क्वेश्चन वही बनाइए जो आपको आ रहा है, नहीं तो निगेटिव मार्किंग लगा देंगे। आपको पता होगा इस एग्जाम में निगेटिव मार्किंग भी दिया गया है जो कि 1/4 का है, यानी कि 4 क्वेश्चन आप गलती कर देते हैं तो वो तो 4 क्वेश्चन गलती किए ही, उसका तो मार्क्स कटा ही, और एक क्वेश्चन जो आप सही भी उसमें बनाए हुए हैं उसका जबरदस्ती मार्क्स आपसे काटा जाएगा, यानी कि 4 क्वेश्चन के लिए 16 नहीं 20 मार्क्स आपसे काटा जाएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन 4 नंबर का है तो एक क्वेश्चन का फालतू 20 नंबर आपसे काटा जाएगा, जबकि 4 क्वेश्चन गलती किए तो 16 ही काटना चाहिए था तो 20 काट लेगा। इसीलिए निगेटिव मार्किंग कम लेना है, यानी कि वही क्वेश्चन को ज्यादा सॉल्व करने का प्रयास करना है जो हम कंफर्म है, या कम से कम 2 ऑप्शन में हम कंफ्यूज कर रहे हैं, ये कि 4 में से तुक्का मार रहे हैं, मतलब 4 ऑप्शन में से कुछ भी पता नहीं है, तुक्का लगा रहे हैं, तो उसमें निगेटिव होगा तो आपका बिना मतलब का नंबर कट जाएगा। तो ये ध्यान रखना है, एग्जाम का मोड ऑफलाइन होगा, ओएमआर शीट पे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे जिसमें 4 रहेगा, उसमें रंगना होगा 1 जो सही होगा, ऑफलाइन पेपर होगा आप लोग का, बेंच पेपर पे ब्लैक पेन ब्लू पेन का प्रयोग कर सकते हैं रंगने के लिए। पेपर का जो लैंग्वेज होगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, मतलब क्वेश्चन जो आपका आएगा हिंदी में भी आएगा इंग्लिश में भी आएगा, तो दोनों लैंग्वेज जो भी आपको समझ में आएगा क्वेश्चन को बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। बनाते हैं लोग, जो हिंदी में समझ में आया हो सकता है इंग्लिश में आ जाए, जो इंग्लिश में समझ में नहीं आया हो सकता है हिंदी का क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए। सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपका पीटी एग्जाम लिया जाएगा, यानी फॉर्म आप भर दिए हैं उसको पीटी एग्जाम लिया जाएगा, पीटी में क्वालिफाई कर देंगे तो वो मेंस का एग्जाम लिया जाएगा, और यहाँ पे मेंस में हिंदी, उसके बाद जीएस का पेपर होगा, ठीक है, 2 पेपर होगा। तो सब मिला करके लगभग 3 पेपर, 1 पीटी में और 2 मेंस में, ठीक है, उसको बताते हैं आगे डिफाइन करते हैं। सेकंड मेन होगा आपका, उसी पे मेरिट बनेगा। सेकंड
ने पेपर के अनुसार ही आपका मेरिट बनना है, तो उस पर ज्यादा आपको ध्यान देना पड़ेगा, मेरिट जिस पे बन रहा है। अब आइए हम बात करते हैं टेक्निकल फॉर्मूला का, यानी कौन सा फॉर्मूला होगा जिससे कमजोर छात्र भी आगे बढ़ सकता है और एक मेहनती छात्र भी आगे बढ़ सकता है और एक वो जो चाहता है कि पहली बार में एग्जाम निकाले वो भी आगे बढ़ सकता है। और क्यों नहीं निकलेगा, आप ही लोग निकालिएगा। आपको पता होना चाहिए कि इसमें बहुत पुराने पुराने लोग फॉर्म को नहीं भरे होंगे, एज लिमिट है तो नए लोग ज्यादा डाले होंगे, ठीक है। नया एज का जो होगा, जो अदर कंपटीशन का तैयारी करता होगा, लड़का लड़की कोई भी हो, तो वो डाला होगा फॉर्म को, तो सबके साथ ये कंफ्यूजन है, उसी को तो दूर करना है। आइए देखते हैं पीटी का। अगर हम बात करते हैं कि फॉर्म भरने के बाद जो पीटी का आपका एग्जाम होगा उसमें जीके भी पूछा जाएगा, जीएस भी पूछा जाएगा, मैथ भी आएगा, रीजनिंग भी आएगा। अगर हम अभी वर्तमान में डायरेक्ट आपसे पूछते हैं कि आप बताइए कि सबसे आसान आपके लिए क्या है, ये चारों सिलेबस में से सबसे आसान क्या है, आसान भी दो अर्थ पे, एक कि आप अभी से अगर पढ़ना चालू करते हैं तो किस सब्जेक्ट को सबसे पहले कवर करिएगा, या अभी आपके सामने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया जाता है तो कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए सबसे आसान लगेगा जिसमें आप ज्यादा नंबर ला सकते हैं, बताइए। तो मैक्सिमम लोग का जवाब होगा कि हम रीजनिंग को तो अच्छे से पढ़ सकते हैं, 10 दिन 15 दिन 1 महीना में खत्म कर सकते हैं, या अभी भी आप हमको क्वेश्चन दीजिएगा तो हम मैक्सिमम क्वेश्चन सही करके दिखा देंगे। ये जवाब आपका कॉमन सेंस के अनुसार आएगा, तो ये जो है मैक्सिमम लोग। तो रीजनिंग से सबसे ज्यादा क्वेश्चन यानी कि 50 क्वेश्चन रीजनिंग से पूछा जाएगा, 50 जीके से भी आएगा, लेकिन यहाँ पे वेटेज ज्यादा होगा, बहुत सारे सब्जेक्ट को जोड़ करके जीके बनता है, ठीक है। करंट अफेयर्स को जोड़ेंगे, हिस्ट्री को जोड़ेंगे, पॉलिटी को जोड़ेंगे, ज्योग्राफी को जोड़ेंगे, इकोनॉमिक्स को जोड़ेंगे, विविध को जोड़ेंगे, तब जाके जीके बनता है। और रीजनिंग में सिर्फ जितना चैप्टर है उसको जोड़ेंगे, रीजनिंग बन जाएगा, ठीक है। और उसमें फिर अलग अलग चैप्टर, हिस्ट्री का अलग चैप्टर, ज्योग्राफी का अलग चैप्टर है ना, तो ये चीज। तो रीजनिंग काफी आसान आपको लगा, सबसे पहला स्टेप यहां समझ में आया कि पहले हमको रीजनिंग को कवर करना है। क्यों कवर करना है, इसलिए नहीं कि ये बहुत आसान है तो पढ़ रहे हैं, इसलिए कि हमको मैक्सिमम नंबर ये दे रहा है। हम एक कमजोर स्टूडेंट हैं, हम शुरुआत कर रहे हैं, पहली बार में दे रहे हैं, तो ये चीज। तो टॉपर क्या होता है, टॉपर पहले से ही पढ़ करके नहीं आता है, ऐसा नहीं कि वो जन्मा था उसी समय से वो टॉपर था, वो दिमाग लगाता है, सिलेबस को देखते हैं, उसके दिमाग में चढ़ता है कि रीजनिंग को सबसे पहले कवर करेंगे, तो 50 में से कम हम 47-48 स्कोर हम अगर कर लेते हैं तो मेरा तो बहुत अच्छा स्कोर यहां पे हो गया, अब हम एक सब्जेक्ट को अलग कर देंगे। तो रीजनिंग अगर आप लोग के लिए आसान है तो सबसे पहला कदम रीजनिंग के लिए उठाना है और इसके लिए पढ़ लेना है। अगर ये कंफ्यूजन होगा कि कौन सा बुक हम प्रयोग करेंगे तो बुक भी सजेस्ट कर देते हैं, मन होगा तो जरूर लीजिएगा अगर अच्छा लगे तो। और आप सब सब्जेक्ट को, सब चैप्टर को इस बुक से पढ़ सकते हैं, यहां पे आ रहा होगा, आपको पिक दिख रहा होगा, लिंक वगैरह हम सब बुक का डिस्क्रिप्शन में देकर रखते हैं, जिसका भी जरूरत है, जिसको भी जरूरत है वो जाकर के खरीद सकता है। तो रीजनिंग आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, बुक से पढ़िए। क्लास कोचिंग अगर नहीं करना चाहते तो बुक से आराम से कवर हो जाएगा, बहुत हार्ड सब्जेक्ट नहीं है, यूट्यूब पर भी बहुत सारा वीडियो पड़ा हुआ है बाकी सारे टीचर का, उसको भी देख करके आप कवर कर सकते हैं रीजनिंग, ठीक है। तो ये हो गया, समझ में आपको आया, एक माइंड मैप आप बनाइए, आपको समझ में आया कि रीजनिंग को सबसे पहले हमको कवर करना है। रीजनिंग अगर हो गया तो 50 में 47-48-45 ही स्कोर कर लीजिए, पहला काम आपको यहाँ पे दिख गया कि चलो कमजोर स्टूडेंट, पहली बार तैयारी करने वाले स्टूडेंट ये तो कर लेंगे, आपको समझ में भी आ गया कि हाँ इतना तो हम कर सकते हैं। अब आगे क्या दिख रहा है, अगर हम फिर पूछते हैं आपसे कि ये तीनों सब्जेक्ट में से, मतलब मैथ में, जीके में, जीएस में से कौन ज्यादा आपको आसान लग रहा है, तो आप कहिएगा कि चलिए ठीक है, जीके तो हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, जीएस भी पढ़ते आ रहे हैं और मैथ भी पढ़े ही हैं, तो मैथ आसान है। लेकिन यहाँ पे आपको देखना होगा कि नंबर यहाँ पे कम पूछा जा रहा है, मैथ से नंबर कम पूछा जा रहा है। अब यहाँ पे आपको आसान देख करके नहीं, नंबर देख करके थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, तो कौन सा निकलेगा, तो यहाँ पे आपका जीके निकल जाएगा। तो सेकेंड नंबर पे किसको रखना है, जीके को। क्यों रखना है, क्योंकि यहाँ से भी 50 क्वेश्चन, अगर हम इस जीके को भी कर लेते हैं तो 50 रीजनिंग में और 50 जीके में कितना ज़्यादा स्कोर, मतलब कि अगर ठीक है नंबर थोड़ा सा कम आएगा, हम मानते हैं कि रीजनिंग से कम नंबर आप यहाँ पे ला पाइएगा, लेकिन जब आपको लाने में इतना मेहनत लग रहा है तो और भी जो पढ़ रहा होगा उसको भी तो मेहनत लगेगा। तो अपने तरफ से आप जब 100% देते हैं, सभी लोग जब अपने तरफ से 100% देते हैं और तब जो स्कोर निकल करके आता है वही एक्चुअल स्कोर होता है। अब आप लगाए 80%, कोई लगाया 70%, कोई लगा दिया 100%, तो वो नंबर मैच नहीं कर पाएगा, वो नंबर एफिशिएंसी के अनुसार अलग अलग हो जाएगा, क्षमता भी वहां पे पता नहीं चलेगा। इसलिए बोल रहे हैं कि आपको अपने क्षमता के अनुसार करना पड़ेगा जीके को, जीएस को, मतलब जीके को सबसे पहले, क्योंकि 50 नंबर है और इसमें करंट अफेयर्स भी रहेगा, ठीक है। करंट अफेयर्स भी थोड़ा सा ज्यादा नहीं रहेगा, कम ही रहेगा, लेकिन रहेगा। तो जीके में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स को पढ़ लेना है यहां से। तो दूसरा नंबर में आपको ये प्रयास करते रहना है, इसके लिए प्रैक्टिस सेट भी हम मंगाएंगे, अभी तो आपको बुक का हम सजेशन कर देंगे, लेकिन प्रैक्टिस सेट तैयार हो रहा है इसके लिए, वो भी आपको सजेस्ट करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको पढ़ना है, अपना पढ़ाई को मजबूत करना है, ठीक है, कॉन्सेप्ट को तैयार करना है कि हम अगर दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हैं तो दिल्ली सल्तनत से बनने वाले क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे, महात्मा गांधी से बनने वाले क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे, आंदोलन को याद करेंगे, ईस्वी वगैरह को हम अच्छे से याद कर लेंगे, भारत का भूगोल को बहुत ही अच्छे से हम पढ़ लेंगे, नदी, झरना, जलप्रपात, झील, वायुमंडल, पहाड़ सब याद कर लेंगे, है ना, कहाँ कहाँ क्या क्या है, कैसे है, मंदिर वगैरह। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, ये कब होगा, जब आप सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तब। तो दो चीज आपके शायद माइंड मेकअप हो गया होगा कि चलो ठीक है, सबसे पहले बिहार SSC 10+2 यानी बिहार SSC इंटर लेवल का हम तैयारी कर रहे हैं,
तो सबसे पहले रीजनिंग को पढ़ेंगे, उसके बाद हम जीके को पढ़ेंगे। ये तो हो गया, ठीक है, ये दोनों कर लिए, उसके बाद बच गया ये दोनों। अब ये दोनों में से आपका चॉइस क्या है, आपको क्या लगता है क्या पढ़ना चाहिए? 25 नंबर आपको ये भी देगा, 25 नंबर ये भी देगा। हम अभी क्या किए कि 50-50 वाला को आपको समझा दिए, जहां से ज्यादा स्कोर करेंगे। अब बच गया 25-25 वाला, इसमें आप खुद चुन लीजिए। अगर ये दो को आप कर लीजिएगा ना, तो ये दोनों में से कोई एक भी अगर आप कर लेते हैं तो आपका रिजल्ट कंफर्म हो जाएगा, यानी कि आप स्कोर के बहुत नजदीक पहुंच जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने ये दोनों पे बहुत ही ज्यादा मेहनत किया, स्कोर अच्छा ले आया है, और बस ये दोनों में से कोई एक भी अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो आप स्कोर कर देंगे। अब ऐसा थोड़ी होगा कि गणित को बहुत अच्छे से आप पढ़ लिएगा तो साइंस एकदम आपका भूला मतलब भूल जाएगा, टेंथ में कुछ पढ़े ही नहीं है, साइंस में कोई क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। अरे 10 तो ऐसे भी आपसे बन जाएगा अगर आप इसको अच्छे से करने में समय लगा दिए तो यहां पे आप एक सब्जेक्ट को कम भी कर सकते हैं। यही होता है टेक्निकल तरीका। आप चारों को एकदम अपने बोझ पे लेकर चले कि रीजनिंग को भी पढ़ना है, जीके को भी पढ़ना है, जीएस को भी पढ़ना है, मैथ को भी पढ़ना है, इतना सारा सब्जेक्ट कैसे होगा? एक एक करके होगा, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, मतलब एक को साधिएगा ना तो आराम से खत्म होते चल जाएगा, रीजनिंग खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम जीके पे जाएंगे, फिर ये दोनों में जो भी अच्छा लगेगा, सामान्य विज्ञान अगर आप चाहते हैं कि हम तुरंत कर लेंगे तो कर लीजिए, किसी को लगेगा नहीं हम मैथ में अच्छा थे, मैथ में अच्छा नंबर आता है मेरा तो मैथ हम अच्छा से कर सकते हैं, तो इसी को कर लीजिए, साइंस को छोड़ दीजिए, और समय बचे तो चारों को कर लीजिए। हम तो ऐसा थोड़ी बोलेंगे किसी को छोड़िए, लेकिन ये बता रहे हैं कि अगर मेहनत कम भी करते हैं तो अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा, आपको आउटपुट अच्छा मिल सकता है जब आप करेंगे ऐसे। तो ये तरीका था, सबसे पहले रीजनिंग को, फिर जीके को, और अगर इसका चाहते हैं कि जीके जीएस को चाहेगा ना कि हम मैथ को छोड़ देंगे, मैथ मेरा बहुत खराब है, मैथ हमसे नहीं होगा, हम जीके जीएस कर सकते हैं, अच्छा से कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको हम बुक बताए थे पहले भी, अभी भी बताते हैं, अभी से भी पढ़िएगा तो बहुत समय आपके पास। पूजा पब्लिकेशन का सामान्य ज्ञान का बुक है, जीके का, बहुत सारे लोग उसको पढ़ रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्स में ये काम भी कर रहा है। क्यों? क्योंकि पढ़ने में इंटरेस्टिंग है, इतना अच्छा से दिया गया हर चीज को, जैसे विश्व का भूगोल ही यहाँ पे निकल गया, तो हर एक चीज को मतलब अलग अलग पार्ट में उसको कलर दे करके इंटरेस्टिंग बनाया गया, पढ़ने में आपको मजा आएगा, वो अनुच्छेद हो चाहे अनुसूची हो चाहे कुछ भी संविधान हो, है ना, सब आपको पढ़ने मजा आएगा इस बुक से। जीके का बेहतरीन बुक है जिसमें जीके और जीएस दोनों समाहित है, हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है, पॉलिटी भी है, इकोनॉमिक्स भी है, विविध भी है, और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब है, ठीक है, ये बुक है, सभी एग्जाम्स में काम करेगा, कॉन्सेप्ट आपका तैयार कर देगा, इसे पढ़ेंगे तो क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा एग्जाम में, बस पढ़ने आपको आना चाहिए कि क्या क्या पढ़ना, वो सब चीज हम बता देंगे। आप पहले इतना काम करिए, इसका लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे रखे हैं, उसको जाकर के आप चेकआउट करिए, और ऑनलाइन आप परचेज कर सकते हैं, आप घर पर भेज दिया जाएगा। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे डाउट दूर हुआ, जीके जीएस के लिए बता दें, रीजनिंग के लिए जो आपके लिए जरूरी है वो एग्जाम वो आप बुक परचेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत, लिंक आपको मिल जाएगा। ये हो गया, अब इसमें क्या है, तो 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो आपको दिखा भी कि 50-50, 100-25, यहाँ पे 150 क्वेश्चन, समय मिलेगा 2 घंटा 15 मिनट, यानी कि 135 मिनट का समय आपको मिलने वाला है। निगेटिव मार्किंग 1/4, मतलब 4 क्वेश्चन गलती करिएगा तो एक नंबर एक क्वेश्चन का पूरा मार्क्स आपसे काटा जाएगा, और ये क्वालिफाइंग नेचर का बोला गया है एग्जाम में, लेकिन होगा क्वालिफाइंग नेचर का नहीं, यहाँ पे आपको कम से कम 115 स्कोर करना पड़ेगा, 115 प्लस नंबर लाना पड़ेगा, तब जाके आप सेलेक्ट हो पाएंगे। वो इस आधार पर कि क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है उसके अनुसार भी आपको हम बताएंगे, लगभग इतना लेकर के चलिएगा, प्रैक्टिस सेट वगैरह में और ज्यादा आएगा तो और बेहतर होगा, ठीक है, ये अपने आप से आप देखिएगा। ये हम बताए आपको तरीका, और ये किसका तरीका था, तो ये पीटी का तरीका था, मतलब कि पीटी सिलेबस का और मेंस का। बस आप ये अब सबसे बड़ी बात क्या ना, आप पीटी अगर अच्छा से कर लेते हैं, पीटी अगर अच्छा से आप निकाल लेते हैं, मतलब तैयारी कर लेते हैं, तो मेंस का ऑटोमेटिक आपका तैयारी हो गया, मतलब ये मेंस आपसे जो पूछा जाएगा ना, ये मेंस का क्वेश्चन, यहां भी जीके है, जीएस है, मैथ है, रीजनिंग है, सेम क्वेश्चन के साथ है, सेम पैटर्न है, बस एक हिंदी का आपको मेहनत करना पड़ सकता है, हिंदी अलग से पढ़ना पड़ेगा, ये तो बस यहां मेहनत कीजिए, बस यहां काम आ गया, रिवीजन कर लीजिएगा, पीटी और मेन के बीच में 2-3 महीना का समय आपको दिया जाएगा, उस बीच में आपको बस रिवीजन करना बचेगा और ये आप निकाल दीजिएगा, और इसी पे आपका मेरिट बन जाएगा, जितना अच्छा स्कोर आप मेंस के एग्जाम में करिएगा ना, उतना अच्छा आपका मेरिट बनाया जाएगा। मेंस में हिंदी में नहीं, हिंदी क्वालिफाइंग नेचर का है, 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा 2 घंटा में, मात्र 30 नंबर लाना है, 30% नंबर लाना है, और इसमें क्वालिफाई करना है, इसमें क्वालिफाई करना नेसेसरी है, जरूरी है, करना है, फेल होइएगा तो यहां तक आप पहुंच ही नहीं पाएगा, मतलब मेंस का पेपर आपका नहीं जांच होगा, और दोनों एग्जाम एक ही दिन होगा, फर्स्ट शिफ्ट में ये हो जाएगा, सेकंड शिफ्ट में ये हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो सामान्य हिंदी के लिए भी आपको बताया कि नॉर्मल क्वेश्चन सामान्य हिंदी से आते हैं, उसके लिए भी हम सजेस्ट कर चुके हैं, जिसके पास हिंदी का किताब नहीं है, वो एक अच्छा किताब खोज रहा है, तो ये हिंदी का किताब, सामान्य हिंदी का, जो कि पूजा पब्लिकेशन का है, इसका भी लिंक हम दे दिए, ये भी काफी अच्छा बुक है, हिंदी का टोटल क्वेश्चन आपको यहां मिल जाएगा, अच्छे से पढ़ने के बाद एक भी क्वेश्चन आप छोड़ नहीं पाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि आपका कॉन्सेप्ट समास का हो, आपका ये संधि विच्छेद का हो, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्दों के एक शब्द, सब चीज आपका क्लियर हो जाएगा। ये बुक में पूरा हिंदी दिया गया है, सामान्य हिंदी, सभी एग्जाम्स में ये काम करेगा और इसमें भी करेगा, ठीक है। हिंदी का क्वेश्चन 30 नंबर तो लाना ही है, नॉर्मल आपको बता देंगे, 10 ऐसा टॉपिक हम बता देंगे जो 10 को पढ़ लीजिएगा, मतलब 5 दिन लगेगा या 3 दिन भी लग सकता है, 3 दिन में आप हिंदी में 30+ मतलब 60+ भी स्कोर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये बुक को आप परचेज करने के लिए लिंक देख सकते हैं, ऑनलाइन लिंक दिया गया है, कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सभी का लिंक, एक बार चेक करिएगा, ठीक है। तो ये सब हो गया, यहाँ पे अब मेंस का हम बताएंगे, मेन का हम बाद में बताएंगे, पहले इसमें तो रिवीजन का रूल भी ऐड करना पड़ेगा। तो अभी जो रूल हम बताए हैं ना, ये किसके लिए था,
ये धुरंधर के लिए नहीं है, ये टॉपर के लिए नहीं है, ये उसके लिए जो पहली बार तैयारी कर रहा है। तो पहली बार कर रहा है तो शुरुआत बस रीजनिंग आपके नजर में होना चाहिए, बाकी कोई सब्जेक्ट आपको दिखना ही नहीं चाहिए। हम ये मान करके चलेंगे कि बिहार एसएससी इंटर लेवल में रीजनिंग बस पूछा जा रहा है 50 नंबर का। ये जब कवर होगा तब आंख खोलेंगे, देखेंगे कि जीके भी पूछा जा रहा है 50 नंबर का। अब जीके पढ़ते हैं, प्रैक्टिस सेट लगाते हैं जीके के लिए, कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, कहां मेरा गलती हो रहा है। फिर आंख खुलेगा तो देखेंगे कि जीएस भी है, सामान्य विज्ञान है। इस टाइप से मेहनत करेंगे, एक एक स्टेप करके चलेंगे, एक ही बार में सब कुछ नहीं देखना है ना। ये ध्यान आपको देना पड़ेगा, तब जाकर के आपका क्लियर होगा और बहुत ही इजी लगेगा। आप करके देखिए ना, बस एक सब्जेक्ट आपका कवर हुआ कि आपको लगने लगेगा कि हम जॉब को ले सकते हैं, निकाल सकते हैं, अच्छा स्कोर मेरा हो सकता है, इतना आसान आपको लगेगा। यही नहीं होता है किसी में, पेशेंस लेवल ही नहीं होता है, डायरेक्शन ही नहीं होता है, तरीका ही पता नहीं होता है कैसे क्या करना है। लेकिन आपको तो पता हो गया, अगर अभी भी आप नहीं करते हैं तो गलती तो कहीं ना कहीं आप में है, और आप चुकेंगे तो फिर लगेगा जॉब होता ही नहीं। होता है, इसी प्रकार से होता है। टॉपर लोग भी ऐसे पढ़ते हैं, कंसंट्रेट होकर पढ़ते हैं, एक दिशा में पढ़ते हैं कि क्या हमको करना पड़ेगा। रीजनिंग बहुत आसान है तो करके दिखाइए ना, इसमें 48 स्कोर आसान है तो, और सच में आसान है, आप कर भी सकते हैं, लेकिन करिएगा नहीं क्योंकि आपके पास समय नहीं है, पता नहीं क्या करते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा एग्जाम के लिए, आप लड़के हैं चाहे लड़कियां हैं, मेहनत तो करना पड़ेगा। और भी बहुत सारा वीडियो हम इस पर लाएंगे, जो भी डाउट हमको लगेगा कि आप कर रहे हैं, आप गलती कर रहे हैं, वो सुधारना है, हम वीडियो जरूर लाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको सब्सक्राइब कर लेना होगा और लाइक भी कर देना होगा वीडियो को, और शेयर कुछ दोस्तों में कर दीजिए ताकि उनको भी पता चले कि किस तरीका से पढ़ना, अगर वो कमजोर हैं, वो पहली बार दे रहे हैं तब, ठीक है। और वीडियो जिस पे बना हुआ है जाकर के देखना चाहते हैं तो ऊपर लिंक आ रहा होगा, इस पे देख सकते हैं जाकर के। और जो भी चीजें बताते हैं अगर आपको अच्छा लगता है उसको शेयर जरूर करिएगा, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि जो भी वीडियो आएगा ना वो आपके पास सबसे पहले मिल जाएगा, आपके मोबाइल पर आ जाएगा, वो आप देख सकते हैं। तो और जो भी चीज के लिए जरूरी लगेगा हम बनाएंगे, आपको देंगे, आप उसका जरूर लाभ उठाइएगा। और हम यही चाहते हैं कि आप इस जॉब को पहली बार में ही निकालिए, और नीचे कमेंट करिए कौन कौन से लोग हैं जो पहली बार इस एग्जाम को देने वाले हैं, ठीक है। मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।